ओम, आज हम आपको एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं। एक्यूप्रेशर से हम अपने इलाज कैसे कर सकते हैं। अपने हाथों में ही सारे मर्ज की दवा है जिनको हम करने से, ये थायराइड का पॉइंट है, ये पॉइंट दबाने से हमारा जो है थायराइड ठीक होता है। ये पॉइंट आँखों का है, ये दोनों उंगलियों के बीच में ये पॉइंट आँखों का है, इसको दबाने से हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है, साथ में ग्लूकोमा जैसी बीमारी से हमें छुटकारा मिलता है और नसनाड़ियाँ हमारी चलने शुरू होती। ये बीपी का पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, ये बीपी का पॉइंट है, इसको दबाने से 2 से 3 मिनट हमारा बीपी जो है कंट्रोल रहता है, इसको हमको रोज़ दबाना चाहिए। ये जो है शुगर का पॉइंट है, ये शुगर जिन भाई बहनों को शुगर है, ये शुगर का पॉइंट दबा लिया करें, 2 से 3 मिनट 4 मिनट जो है दोनों हाथों में इसको दबा लिया करें। ये हार्ट का पॉइंट है, ये हार्ट का पॉइंट है, ये हार्ट जिसका हार्ट ब्लॉकेज है वो हार्ट जिसको एक्यूप्रेशर कर लिया करें तो इससे जो है हमारा हार्ट ब्लॉकेज जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये और हम दोनों मुट्ठी जब बांधेंगे जहाँ पे बीच वाली दर्जनी उंगली जो है वो हो जाए, वो किडनी का पॉइंट है। जब किसी भाई बहन को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, अगर इसको आप दाबेंगे तो ये जो है दर्द होगा, इसको दबाने से हमारे किडनी के पॉइंट जो है वो दबेगा तो हमारा किडनी जो है ब्लॉकेज है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसको रोज़ करने से हमको जो है 2 से 3 मिनट रोज़ हमको सारे पॉइंट को दबाना है और दबा के जो है हम अपने जीवन में एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जिन भाई बहनों को अगर इसके बारे में एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में ज्ञान नहीं होता, उनको हम लोग बताते हैं, जैसे कि आप जो है ताड़ी बजाइए, 2 से 3 मिनट रोज ताड़ी बजाइए, यह है एक्यूप्रेशर की चिकित्सा। तो आप लोग इसको रोज़ आजमाइए और रोज़ किया करें, घर में 2 से 3 मिनट 5 मिनट का समय निकाल लीजिए। और कल मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।